जान लेते हैं कि प्याज के आयात को लेके क्या खबरें निकल के सामने आ रही है। कुछ खबरें निकल के सामने आई हैं कि भारत में हरियाणा के सिरसा में प्याज आयातित प्याज देखने को मिली है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, टमाटर तक लाल हो चुका है, अन्य कई सब्जियां भी काफी महंगी हो चुकी हैं, तो प्याज के रेट पिछले कई दिनों से भी बढ़ रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में तुर्की व अफगानिस्तान का प्याज आने लगा है, इससे प्याज के रेट में कमी आ सकती है। खास बात है कि तुर्की व अफगानिस्तान से आने वाला प्याज 500 ग्राम से 800 ग्राम तक है। इनका प्रयोग ज्यादा होटलों में किया जा रहा है। तुर्की व अफगानिस्तान का प्याज 45 रुपए से 50 रुपए तक है, जबकि देश में पैदा होने वाली प्याज का रेट 60 रुपए किलो है। हरियाणा की सिरसा अनाज मंडी में अब तक तुर्की का प्याज आना शुरू हो चुका है। नासिक और अलवर के प्याज से तुर्की के प्याज का भाव कम होने के कारण व्यापारी भी इस प्याज को खरीद मंडी और रेडियो में पहुंचा रहे हैं। तुर्की से बड़ा प्याज अभी आना शुरू हुआ है। रेडियो में इस प्याज की कीमत 50 रुपए है, जबकि लाल प्याज की कीमत 60 रुपए किलो तक है। आकार बड़ा होने के कारण ये प्याज भी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मंडी में 200 क्विंटल तुर्की का प्याज सिरसा सब्जी मंडी में पहुंचा है। मंडी में यह प्याज 40 रुपए के करीब है, जबकि रेडियो पर 45 से 50 के करीब। ग्राहक इस प्याज को खरीद कर इसके स्वाद का आनंद भी ले रहे हैं। अभी इसकी सबसे अधिक सप्लाई रेस्टोरेंट और होटलों में की जा रही है। हरियाणा के सिरसा में पहले अलवर का प्याज 60 तक बिक रहा था। तुर्की के प्याज के भाव कम होने के कारण सिरसा में प्याज मंगाया जा रहा है, जिससे ग्राहकों को भी कुछ राहत मिलेगी। प्याज की आवक बढ़ने लगी है, इससे कुछ दिनों में प्याज की कीमत कम होने की उम्मीद व्यापारियों द्वारा जताई जा रही है। तो जैसे कि हमने आपको भी बताया, हरियाणा के सिरसा के अंदर तुर्की और अफगानिस्तान की आयातित प्याज अब मंडियों के अंदर दिखने लगी है, जिनका भाव भारतीय प्याज के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब व्यापारियों को ऐसी उम्मीद है कि आगे जाके प्याज की कीमतों में कुछ गिरावट आ सकती है। क्योंकि अगर आयात हो रहा है, मंडियों में आयातित प्याज आ रही है, तो प्याज की आवक भी बढ़ना तय ही है, जिसका असर भारतीय प्याज की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है और किसानों को भी इसमें कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। और किसान ऑलरेडी ही अपनी प्याज की जो फसल है, नुकसान के चलते और ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। फिलहाल मंडियों के हाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट एम सीवी पर।